कौन है? हे आदि, अभी तक बारात क्यों नहीं आई सोच रहे हो क्या? शादी तो कल रात को ही हो गई थी, अब तो रिसेप्शन है। नहीं समझा? फार्म हाउस में दो ही आदमी, तेरे सारे डॉक्यूमेंट्स गायब। ए, कौन है बे? महाराष्ट्र की शान शिवाजी। क्यों, सिर्फ नाम नहीं हिला डाला ना? क्या चाहते हो बोलो। खाद का व्यापार तेरे दिए हुए एक रुपए से ही शुरू किया है, तुझसे कुछ बिजनेस करना है। मैं इनकम टैक्स ऑफिस के सामने वाले टी स्टॉल पर वेट कर रहा हूँ, तू आराम से आ जा, पर 10 मिनट के अंदर नहीं आया तो मैं खाद की बोरियों के साथ अंदर चला जाऊंगा। साहब भजिया। धन्यवाद बॉस। साहब बुला रहे हैं तुम्हें। अबे मैंने बुलाया है उसे। आइए बैठिए। ए साहब के लिए गरम भजिया और चाय। काम की बात करो। तुम्हारे बुक्स, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट सब देख लिए हैं मैंने। बेनामी नाम से घर, जमीन जायदाद, पैसा, बॉन्ड्स, डॉलर, स्विस बैंक में ग्रीन मनी, सब मिलाकर 200 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है ना तुम्हारे पास? तो तुम्हें क्या है? भजिया खाओ। अरे खाओ ना यार, उसमें से आधा मुझे दे दो। भजिया नहीं, पैसा ना दू तो? सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच जाएंगे। हाँ उधर देख। हाय। ए मामा आगे बढ़ो। रोको, होल्ड ऑन। तेरे 200 करोड़ रुपए चाट लिए जाएंगे, सीजेस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, अरेस्ट तक जाएंगे। खबर देने के लिए मुझे 10% यानी 20 करोड़ रिवॉर्ड भी मिलेगा, यानी हर हाल में मेरा बिजनेस सक्सेस है। व्हाट्स बेटर, पूरा पैसा गवाना या फिर आधा? डरा रहे हो क्या? वेलो जी साहब, कमिश्नर को फोन लगाओ। आदि, ये कोई कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं है ना? ब्लैक मनी है यारा, कंप्लेन करोगे कैसे? चोर को सांप सूंघ गया हो वैसे चुप रहना पड़ेगा। तुम अकेले हो, मेरे साथ गवर्नमेंट है। मेरे हाथ में तेरी गर्दन है। रिपीट। रुको से, स्टॉप। होल्ड ऑन। मैं और 24 घंटे का टाइम देता हूँ तुझे, 100 करोड़ निकाल के रखना। उसे कहाँ और कैसे लाना है मैं फोन पे बता दूंगा। चाय पी। कितने हुए बॉस? आदि पे कर दे, मेरे 100 करोड़ से काट लेना। एक रुपया देकर शुरू करवाया तुमने, पहले ही बिजनेस में 100 करोड़। तुम्हारा हाथ बहुत लकी है आदि। तेरा बिजनेस अभी पूरा नहीं हुआ। छोड़ दे ये पैसे, जब तक मेरे पास नहीं पहुंच जाते इसको नहीं छोड़ूंगा। ए मामा गाड़ी निकालो। ए,
नया क्या तिलक लगाकर मंदिर का घंटा बजाने वाला दिखता हूँ। पुराने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड उठाकर देख। आदि हूँ काशी में दुखा आदि फोड़ के रख दूंगा। आप जाने दीजिए सर, हम देख लेंगे इसे, हम देख लेंगे, आप जाने दीजिए। अब ए वेलो सर, पैसा मेरे घर आएगा और लाश इसके घर पर। किससे पंगा लिया है तूने? ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। आठ बोरी इंग्लिश पेपर की है। अच्छा, छह बोरी हिंदी पेपर की है। ठीक है, स्टारडस्ट फिल्म फेयर की 4 बोरी है। अंदर के कमरे में रखकर पैसा ले जा। ये मामा, हाँ। इतना सारा माल यहाँ रख रहे हैं, सेफ तो रहेगा ना? अयप्पा मेरे साथ पढ़ता था, 100% भरोसे वाला है। फिलहाल इसकी दुकान में ही मिलेगी हमें फुल सेफ्टी। शिवाजी, काफी पैसे जमा हो गए हैं, अब जो करना है जल्दी से निपटा के शिवाजी फाउंडेशन का उद्घाटन करना चाहिए। नहीं मामा, अगर अकेले आदि के पास पूरे 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है तो सोचो पूरे तमिलनाडु में कितना होगा, पूरे इंडिया में कितना होगा। कहना क्या चाहते हो शिवाजी? लो दोस्त चाय पियो, और कुछ भिजवाओ। बस है अप्पा। ठीक है। इंडिया में कुल कितना ब्लैक मनी है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ रुपए। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो, रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है, इसकी यही वजह है ये काला पैसा। हम वो सारा काला पैसा बाहर निकालेंगे। शिवाजी फाउंडेशन सिर्फ चेन्नई में ही नहीं, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। गांव गांव में शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, गांव गांव में सड़क बनाएंगे, रोटी देंगे। जो काम एक सरकार को करना चाहिए वो तुम अकेले कैसे करोगे शिवाजी? करूंगा। सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितना काला पैसा है और कहां है। कैसे शिवाजी? पैसे वालों के ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर, नौकरी से निकाले गए लोगों की एक लिस्ट बनाओ और उनके साथ एक गेट टुगेदर अरेंज करो। वो लोग कभी मुंह नहीं खोलेंगे शिवाजी। मैं खुलवाऊंगा। पर कैसे? उसके लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना होगा।
कैसी तबीयत है? बर्दाश्त नहीं होता सर। आई एम सॉरी। जिसने हमें आपको मारने के लिए भेजा था वो नहीं आया। आप आए, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों करते हो ऐसा? हमें दूसरा काम नहीं आता सर। बेटे यहाँ आओ। तुम पढ़ते हो? पोस्टर लगाता हूँ। अरे यार, इन मासूमों को पढ़ाना लिखाना छोड़कर तुम बुराइयों का साथ क्यों दे रहे हो? अच्छे कामों के लिए कौन बुलाता है सर, और हमें कुछ और आता भी तो नहीं। यही काम मेरे लिए करो, अच्छाई की खातिर। बोलो करोगे? अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई मैं दूंगा। बोलो क्या कहते हो? ए, जब वो बुला रहे तो जाते क्यों नहीं हो? कोई काम तो करते नहीं हो। आप जाओ साहब, मैं भेजती इसको। हम आएंगे बॉस। I think there must be a discussion about the Indian economy. उसने ड्राइवर लोगों को क्यों बुलाया है? आप लोग मेरे बुलावे पे यहाँ आए इसलिए शुक्रिया। सिर्फ हमारे स्टेट की बात करें तो इसमें लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए ब्लैक मनी छुपा के रखा गया है। भाई साहब, ये ब्लैक मनी क्या होता है? काला होता है? अरे क्या हुआ? लाखों करोड़ों कमाने वालों को गवर्नमेंट को अपनी कमाई का 30% टैक्स देना होता है। उसे भरने से बचने के लिए जो आमदनी छुपाई जाती है वो है ब्लैक मनी। आप जैसे ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर लोगों को सही मायने में मालूम होता है कि उनके मालिकों ने काला पैसा कहां छुपा रखा है। कानूनन वो सारे पैसे जनता के विकास में लगने चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके किस किस ने कहां कहां कितना काला पैसा छुपा कर रखा है आप हमें बता दीजिए। शाबाश, गद्दारी करने के लिए कह रहे हो? नहीं, देश को बचाने के लिए। कैसे? मैं उन पैसों को जनता के लिए खर्च करूंगा। ये सब हम आपको क्यों बताएं? क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, सीएम हैं? भैया मैं हूँ पीएम, पोस्टमैन, जनता के पैसों को जनता तक पहुंचाने वाला एक साधारण पोस्टमैन। पर ये सब गैर कानूनी है। काला धन रखना और उसे छुपाने में साथ देना भी गैर कानूनी है। भैया, हमारे मालिक ने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, अपनी कमाई अपने पास रखी, तो गलत क्या किया? हर कोई यही सोचकर टैक्स चुरा लेता है, इसीलिए तो सरकार के पास पैसा नहीं होता और कीमतें बढ़ानी पड़ती है। आज उनके चुराए एक एक रुपए की वजह से पेट्रोल, बिजली, कपड़े, दवाइयों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, जिसका सारा बोझ तुम पर आ गिरता है। तुम्हारे मालिकों का टैक्स ना भरना तुम्हारे साथ किया हुआ धोखा है। भैया, आपकी बात मेरी समझ में आ गई। भैया एकदम, भैया हटो 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 हटो। भैया आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। चुप रहो तू। We can't be dishonest with our profession. ना, मुझे तो बात समझ में नहीं आई। जो लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं वो यहाँ आकर जानकारी दे सकते हैं, बाकी बचे लोग वहाँ ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। ए, उठो भैया, चलो चले आओ। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे इंडिया का इकलौता सत्यवादी हो। राम नाम जपना, पराया माल अपना, जानकारी देंगे हम, पैसे कमाएगा ये। ऑफिस रूम तो खाली पड़ा हुआ है ना, मुझे तो ये सही नहीं लगता। आप क्या करेंगे, यहाँ आकर जानकारी देंगे या ऑफिस रूम में वेट करेंगे? हम अभी उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। कूल। मुझे ये बिल्कुल सही लगता है। आई वॉज थिंकिंग, सोच रहा था कि आपके नेशनल इंटरेस्ट वाले काम में थोड़ा सा योगदान करूं। ऐसे हेलो मंत्री जी, सोने के जेवर, सोने की गिन्नी, स्विस बैंक में ग्रीन मनी, अनुपम नाम के किसी अनजान आदमी के पास रखे हुए नकद पैसे, कुल मिलाकर 156,60,30,000 रुपए हैं आपके पास। उसमें से आधा मेरा, आधा आपका, नहीं तो पूरा इनकम टैक्स का। क्या ख्याल है? कौन हो तुम? बॉस। बॉस,
अब कहाँ शिवाजी? न्यूयॉर्क। अनऑफिशियली ढेर सारे कंप्लेंट्स हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे लूटे जा रहे हैं। जो भी गाड़ी बड़े पार्सल के साथ मिले उसे फौरन चेक करो। मटेरियल रिसीव्ड। हैंड ओवर द मनी टू द कंसर्न पार्टी। आइडेंटिटी 1000 रुपीज इंडियन करेंसी। सीरियल नंबर 5BD714592। फ्रेंड्स, ये सारे पैसे छोटे छोटे अमाउंट्स में बांटकर दुनिया भर में फैले आपके जान पहचान वालों को भेज दीजिए और फिर उन्हें इन्हीं पैसों को शिवाजी फाउंडेशन के अकाउंट में डोनेशन के तौर पर इंडिया भिजवाने के लिए कह दीजिए। इस तरह ब्लैक के सारे पैसे व्हाइट हो जाएंगे। डोंट वरी शिवाजी, हम देख लेंगे। थैंक यू। हाय, आई एम शिवाजी बड़ी कूल। हाय शिव, यू गॉट अ मेल। वाओ, हमारा भेजा हुआ ब्लैक मनी बूमरैंग की तरह घूमकर फिर हमारे पास आ गया, वाइटर देन वाइट। इसे हम पब्लिक के कामों में लगाएंगे तो कानूनन कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। काले पैसों को तो हमने वाइट कर दिया, अब काले पैसे वालों को वाइट करना पड़ेगा ना। क्या मतलब शिवाजी? अरेस्ट होकर जेल में जाएंगे तो अंदर तो सभी वाइट होंगे ना। हेलो, इनकम टैक्स ऑफिस, इन्वेस्टिगेशन विंग को दीजिए। जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ डंडा घुसाएगा शिवाजी। सर, मेरे पास आदिशेषन आनंदम समेत कई लोगों की ब्लैक मनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैं। आपको रेड करने में आसानी होगी। इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवाइए। ओह यस, अभी भिजवाता हूँ। सर, सर, सर। कौन है रे? ड्राइवर सर, आपसे कोई मिलने आया है। क्या है, बोलो। माफ कर दीजिए सर, ये लोग। वी आर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या है, किससे पूछकर अंदर आए? तुम्हारे मिनिस्टर को फोन लगाता हूँ। सॉरी सर, वी आर फ्रॉम CBI। अबे तेरी CBI, सिंगल पीस घर नहीं पहुंचेगा। ए वेलो, मनी। आपके पास करोड़ों रुपयों की ब्लैक मनी है और हमारे पास उसका एविडेंस है। इस बात की खबर किसने दी? पता नहीं। मुझे पता है शिवाजी, उसके पास भी तो बेहिसाब पैसा है, उसे पकड़ने के बजाय यहाँ चले आए। उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है। आपने इन सब का हिसाब नहीं दिखाया, जरा इस पंचनामे पर दस्तखत करेंगे? करोड़ों रुपयों का काला धन अमेरिकन डॉलर्स की शक्ल में छुपाकर रखने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। आयकर विभाग एवं CBI के अधिकारियों ने आज पूरे राज्य में कई बड़े बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं के घरों और दफ्तरों में अचानक छापे मार कर करोड़ों रुपयों का काला धन जब्त कर लिया है। कर चोरी, हवाला और फॉरेन करेंसी रखने के जुर्म में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? तुम अंदर जाकर क्या करोगे आदि? पत्थर तोड़ोगे? घास काटोगे? बर्तन मांजोगे? मैं यहाँ के जेलर से कहकर किचन में रोटी बनाने का काम दिला दूँ? ओहो,
उसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। हाँ, बैठे बिठाए बिना मेहनत के एक काम किया जा सकता है, करोगे? वही सलाखें गिनना। क्यों हिला डाला ना? गलत कर दिया तुमने शिवाजी, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा, जवाब तो दूंगा। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, सहा नहीं जाता मुझसे, पलट कर वार तो करूंगा मैं। ए, ये वार करके तुझे जो मिला वो काफी नहीं है तेरे लिए? ए, मैं आदि हूँ, तेरी माँ की आरती उतारूंगा।